Hello and welcome to all on Tasty Food Recipes Cooking Channel. If you are in the search of easiest way of cooking delicious food, then you are on the right place. आज का वीडियो हम उन हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए लाए हैं जो बिल्कुल भी ऑयल खाने से घबराते हैं। ये डिश बिल्कुल भी एक बूंद भी इसमें ऑयल नहीं डाला है। देखने में आपको लग रहा होगा इसमें बहुत ऑयल है, लेकिन आप एंड तक इस वीडियो को देखिए तो आपको पता चलेगा इसमें हमने एक भी बूंद ऑयल नहीं डाला है। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमने यहाँ ले लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई को हमने गरम किया और इसमें डाल रहे हैं लगभग एक ग्लास पानी। यहाँ आप देख रहे हैं हमने ऑयल नहीं डाला, हम पानी डाल रहे हैं। अब इस पानी में हमें डालना है प्याज। यहाँ हमने दो प्याज लिया है, आप किसी भी फॉर्म में काट के डाल सकते हैं। यहाँ हमने लंबे लंबे काट के डाला है और एक तेज पत्ता डाल रहे हैं, 6 से 7 लौंग डाल रहे हैं, 6 से 7 हरी इलायची डाल रहे हैं, ये देखिए, और 3 छोटे टुकड़े के करीब हम यहाँ दालचीनी डाल रहे हैं। ये मुट्ठी भर हमने अदरक डाला, मुट्ठी भर हम डाल रहे हैं लहसुन, और इन सबको हमें इसमें पकाना है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर। यहाँ हम टमाटर ऐड करेंगे। 2 टमाटर को हमने काट लिया है, आप किसी भी शेप में काटें, हमें बस इनको पका के इसका पेस्ट बनाना है, इसलिए कोई भी शेप में हम डाल सकते हैं। और हम इसमें अब ऐड करेंगे कैश्यू, काजू। अगर आप काजू खाना पसंद नहीं करते हैं तो ये स्टेप को आप छोड़ सकते हैं, आप काजू इसमें ना डालें। देखें ये हमने डाल दिया, बिना काजू का भी ये बहुत अच्छा बनता है, लेकिन हमने इसे काजू डाल के बना रहे हैं। अब यहाँ हम डाल रहे हैं 1 चम्मच नमक और इन सभी को हमें इसमें पकाना है। बस अब इसे आप ढककर 10 मिनट तक कम फ्लेम पे आप इसे छोड़ दें। इसे जब तक ये सॉफ्ट हो जाए तब तक आपको पकाना है। यहाँ हम थोड़ा सा और पानी ऐड कर देते हैं। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए हमने पानी डाल दिया, अब इसे हम ढक देते हैं और कम फ्लेम पे 10 मिनट तक छोड़ देंगे। यहाँ देखिए 10 मिनट के बाद आप देखेंगे ये सभी प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, सारे गरम मसाला इसमें पक चुका है। अब इसे हमें ठंडा कर लेना है और अच्छे से एक बहुत स्मूथ पेस्ट इसका तैयार कर लेना है। इसे हम ये देखिए ठंडा कर लिया, अब हम डालेंगे इसे ग्राइंडर में। अब यहाँ हम 2 रेड चिली, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ज़्यादा तीखा नहीं है, ये डाल रहे हैं अपने ग्राइंडर में और सारा ठंडा मसाला डाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो ये जो हमने बॉईल किया है उसी वक्त भी आप मिर्ची ऐड कर सकते हैं, ये बस कलर देता है, खाने में मिर्च नहीं होती। और ये देखिए कितना स्मूथ पेस्ट तैयार है। इसे हम पहले छान लेंगे, क्योंकि हमने जो टमाटर डाला, सारे गरम मसाला डाला है, उन सभी का जो रेसिड्यू है, जो सब स्किन है टमाटर का, उसके सीड्स हैं, उन सबको छान लेना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए सब निकल गया और थोड़े से ये बस सीड और स्किन टमाटर के ये सब निकल गया है, इसलिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये सारा आपको खाने में मुंह में आएगा। अब इसे हम गैस पे, स्टोव पे फिर से गर्म करते हैं। ये देखिए हमने कहीं पर भी ऑयल नहीं डाला है, आपने देखा अभी तक। यहाँ जब बहुत अच्छे से बॉईल आ जाएगा तब इसमें हम डालेंगे मसाले। ये देखिए कितना अच्छा बॉईल आ रहा है। अब हम यहाँ डाल रहे हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये हमने घर में ही बनाया है, ड्राई रोस्ट करके उसे ग्राइंड किया है। ये डाल रहे हैं हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और ये हम डाल रहे हैं 1 चम्मच भर, ये हमने घर में मसाला बनाया है, आप यहाँ चाहें तो पनीर मसाला, किचन किंग मसाला, आप इसमें इस वक्त ये दोनों मसाले ऐड कर सकते हैं। इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर के पीसेस। ये देखिए पनीर को भी हमने फ्राई नहीं किया है, डायरेक्ट डाल रहे हैं, कहीं पर भी ऑयल का यूज़ हमने नहीं किया है, आप देख रहे हैं, बस पानी में हमने ये बनाया। और आप ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑयल नहीं डाला तो इसमें स्वाद नहीं आएगा, आप ज़रूर ट्राई करें। इस पनीर को भी हम ढककर थोड़ा सा पका लेते हैं, 2 मिनट तक पकाएंगे। ये देखें अच्छे से इस पनीर में ग्रेवी का टेस्ट आ जाएगा, इसे हम चला लेते हैं। देख सकते हैं आपका ग्रेवी कितना अच्छा दिख रहा है बिना ऑयल के,
अब हम इसमें ऐड कर देंगे चुटकी भर गरम मसाला। ये गरम मसाला भी हमने घर में बनाया है, इसके वीडियो भी हमने अपलोड किए हैं, आप ज़रूर उस वीडियो को देखें कि गरम मसाला घर में कैसे तैयार करें। अब डाल रहे हैं कस्तूरी मेथी, ये हम चुटनी थोड़ा सा इसमें डालेंगे, ये बहुत ही अच्छी खुशबू और स्वाद देता है, इसे आप ज़रूर डालें। और ये आपका बिना तेल के पनीर बनकर तैयार है। देखिए इसे हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ये कितना थिक और रिच इसका ग्रेवी बना है, कितना टेस्टी दिख रहा है बिना ऑयल के। आप ज़रूर ट्राई करके देखें कि बिना ऑयल के भी इतना यमी पनीर आप खा सकते हैं। देखिए आप इसे पूरी, पराठे, पुलाव जिसके साथ आपको पसंद आए आप इसे खाएं, और इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। So guys, if you don't want to miss out any healthy, tasty and interesting videos, then please like, share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Thank you.